यार मेरे तो नूडल्स मोमो तुम्हारी तो लेयर्स की लॉटरी निकली हुई है। वैसे क्या होते हैं मोमो फिर इसके बाद? एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कल मिलेगी ट्रीट, मैं बता रहा हूँ। ये थी जी उमैमा की बर्थडे सेलिब्रेशन सरप्राइज, और उमैमा की और एक और हमारे फैमिली का मेंबर है, इन दोनों की बर्थडे एक साथ होती है। तो पहले मैं, रेहान और अब्दुल बारी आए थे उमैमा को विश करने, फिर हम गए थे बाजी को विश करने, इरम बाजी को। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear to you, happy birthday dear Ibaji Jaan, happy birthday to you, cake ka satya nas। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक, एज यूजुअल बहुत बिजी। और ज़िंदगी में क्या मेरे चल रहा है इसके छोटे छोटे क्लिप्स आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। बर्थडे थी सेलिब्रेशन, उनको जाके विश किया दोनों पार्टीज़ को। थर्ड पार्टी जो है वो साइमा बाजी की बहू थी, जिसको बूटे के भिजवा दिया गया था। और रायान साहब जो है वो उनको जो है हम लेकर आए थे एक दिन अपने घर, मैं और भाई, क्योंकि भाभी की तबीयत हो गई थी ख़राब, उनको हो गया था डेंगी। तो फिर बच्चे हम लेकर आ गए थे अपने पास, तो एक बच्चा था बाजी इरम के घर और एक बच्चा था हमारे पास। तो बस यही चल रहा था, और फर्स्ट टाइम रायान तो इस तरह काफ़ी देर रहा, तो एनीवेज बहुत ये पार्सल आया है, उम्मीद नहीं थी कि ये रह पाएगा, लेकिन खैर इसने बहुत टाइम किया। ये मैजिक बॉक्स में से ये निकला है, वेरी गुड पैकिंग एंड वेरी गुड कंडीशन, कलर ऑल्सो वेरी गुड, आई लाइक इट। और बस इसी तरह उसको करके बहलाने के बाद फिर एक दिन मेरे घर पे था लंच, मेरी कज़न इस्लामाबाद से आई हुई थी, उनको और यहाँ पर और पप्पो की बेटी, उनको बुलाया हुआ था। देन हम तीनों बहनें और वो दोनों कज़न्स हम अपनी छोटी पप्पो की बेटी के घर आए थे। उसने अपना माशाल्लाह से घर लिया था कुछ महीने पहले, जो हम के हम उसको विश करने के लिए नहीं आ सके थे। तो हम लोग मिलके फिर आए उसके घर पे, और ये है उसका घर। और बस ऐसे ही मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैंने कहा चले जी थोड़ा सा आपको उसका घर दिखा देते हैं। अभी प्रॉपर उसने सेट भी नहीं किया हुआ है, और बस इसी तरह से है, नीचे ग्राउंड फ्लोर की सेटिंग है, और ऊपर जो है ये अभी जो है वो इनकम्प्लीट है, रूम सेट नहीं है, लाइक वन रूम अपार्टमेंट्स जैसे होते हैं। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लग्जूरियस भी है, और स्पेस भी अच्छी है उसके हिसाब से। एनीवेज जी छोटी सी फैमिली के लिए छोटा सा घर बहुत ही अच्छा मुझे तो लगा। तो ये ऊपर हम छत पे भी आ गए थे देखने के लिए, सब देखा, और थोड़ी देर ही हम यहाँ बैठे और इन्जॉय किया। खैर और यही होता है कि कुछ ना कुछ पेंडिंग होता है जो फिर एक साथ आके जो है होना शुरू हो जाता है। तो बहुत मसरूफियत रही इन दिनों में, और मुझे लग रहा है कि लास्ट टू मंथ्स तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी ही मुस्तकिल चल रही हूँ। तो चले खैर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसी तरह मसरूफ़ रखे। और इसके साथ साथ ही ये था कि बाजी की शिफ्टिंग का भी था साथ ही, तो इस दिन हमने ये अपना सारा काम ख़त्म किया, मिलना मिलाना ये वो। नेक्स्ट डे से बाजी की पैकिंग स्टार्ट करवा दी थी, और उसके बाद जो है उनकी शिफ्टिंग हुई थी। तो पैकिंग वैकिंग वाला तो वो सिलसिला, खैर मैंने क्या वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, लेकिन शिफ्टिंग का मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी, और इंशाल्लाह प्रॉपर घर सेट हो जाए तो फिर वो भी आपको दिखाऊँगी। तो बाजी थोड़ा सा हमसे फासले पर चली गई हैं, तो मेरा दिल थोड़ा सा इस मामले में उदास भी है कि यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हम बहन भाई सारे रह रहे थे, और बाजी अब थोड़े सा जो है बहुत दूर नहीं, लेकिन यह है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं रही हैं। चले खैर, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, रहना नसीब करे। तो ये हम अपनी कज़न के साथ प्रैंक भी कर रहे थे।
हम ले गए थे इनके लिए क्योंकि अचानक से प्लान बना था, तो हम लोग पैसे लेके चले गए थे अपनी अपनी तरफ से, और साथ जो है किसी की तरफ से जो है उनको सूट भी गिफ्ट किया था। तो हम उनके साथ प्रैंक कर रहे थे कि आप या तो ये एनवेलप चूज़ कर लें या फिर आप सूट ले लें, और एनवेलप्स में ट्राई अगेन भी आ सकता है, बहुत अच्छी अमाउंट भी हो सकती है और कुछ नहीं भी हो सकता है। तो उनको हम काफ़ी कंफ्यूज कर रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि ठीक है मैं सूट नहीं लेती हूँ तो मैं एनवेलप्स ले लेती हूँ। तो काफ़ी मज़ा आया उनके साथ प्रैंक करके, और उसके बाद फिर फाइनली हमने उनको बता दिया था कि नहीं जी, ये सूट भी आपका है और ये एनवेलप्स भी आपके हैं। तो एनीवेज, ये अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। वहाँ से फिर हम जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, आ गए थे बाजी के घर, बाजी इरम के घर ही, और कज़न्स को भी हम ज़बरदस्ती इधर ही ले आए थे, सादिया बाजी को, रुपना बाजी को, और ये कहा था कि अब मिला जुला जो है वो हम डिनर करेंगे। तो ये सोबिया बाजी घर से ले आई थी साग, और वो बना रही थी मिट्टी की हांडी में साग, और मैंने बनाई हुई थी दिन में चिकन निहारी, वो भी मैं ले आई थी। पिज़्ज़ा जो है वो आपने देखा, वो मेरी भाभी सिद्रा ने बना के भेजा, और ये दाल जो है वो इरमबाजी ने बनाई हुई थी। तो हमने ये बूफे, देसी बूफे बहुत इन्जॉय किया। तो ये दिन हमारा बहुत यादगार दिन था, बहुत इन्जॉय किया काफ़ी टाइम के बाद। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।